आप सबका हमारे वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब के बठिंडा में कोतवाली पुलिस ने आज दो चोर गिरोह को काबू किया। गिरोह के दो आरोपियों के पास से पुलिस ने चार मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा बरामद की और दूसरा एक ऐसा अनोखा चोर जो लोगों के घर में से खाने पीने की चीजें चुराया करता था, जिसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में खाने पीने का सामान और एक सिलेंडर बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों गिरोह के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना कोतवाली की पुलिस ने एक सफलता हासिल की, जिसे दो चोर गिरोहों को काबू किया। एक चोर गिरोह जिहड़ा कि मोटरसाइकिल से एक्टिवा चोरी करता सी, उन्हां पासों दो मोटरसाइकिल, चार मोटरसाइकिल से दो एक्टिवा बरामद होए ने। दूसरा चोर गिरोह जो कि लोगों के घर अंदर चोरियां करते सी, उन्हां पासों भी समान बरामद किया गया जो उस समय दौरान चोरियां हुई। चार मोटरसाइकिल, दो एक्टिवा, प्लस घरों चोरी किया गया समान, जिस तरह कि उन्होंने गहने, कुछ खाण पीन दी वस्तां सारियां बरामद। ये रहायशी मकान से जो कि एक शांप सोना, एक गैस सिलेंडर बरामद होया, जो एक चाइना मेड मोबाइल चोरी हुए थे वो बरामद हुए। इन्हों का पुराना रिकॉर्ड वाचा जा रहा है, इन्हों से पहला भी परचे। ये बठिंडे के रहने वाले लोकल बंदे, दो तो मोटरसाइकिल चोर गिरोह ने, दो जो घर के अंदर चोरी कर रहे। पंजाब पुलिस लगातार चोरों नशाखोरों को पकड़ने में जी जान लगा रही है, जिसके चलते पंजाब में लगातार चोर डकैत और नशा व्यापारी पकड़े जा रहे हैं। यह थी बठिंडा से जुगनू शर्मा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।